देखो क्या चिप्स वगैरह डले हुए हैं, ऊपर से क्रीम डली हुई है और अंदर स्टफिंग वगैरह। भाई साहब जिस राज को, तो वैसे मेरे ख्याल से राज ही रह देना चाहिए भाई। चिकन का अच्छा बहुत फ्लेवर आ रहा है, तंदूरी सॉस का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा है, ऊपर से क्रीम है, चिप्स का हल्का हल्का जो होता है टैंगीनेस होती है उसका एक अपना मज़ा अलग आ रहा है। बहुत टाइम बाद नॉनवेज खाया यार, मज़ा आ गया। तो भाई अगर 500 वैरायटी ऊपर लिखी हुई है ना, तो 500 वैरायटी सिर्फ कहने के लिए नहीं है। ये देखो मेन्यू आपके सामने। और मित्रों कैसे हैं आप सब, स्वागत है आपका मित्रजन चैनल पे। भाई कल था रक्षाबंधन, राखी देख के आपको समझ आ गया होगा, अब रक्षाबंधन ख़त्म हो गया मतलब सावन भी ख़त्म हो गए है ना। तो बढ़िया भाई, मीना ने बहुत मुश्किल निकाला है, आगे अब नॉनवेज की बारी। बढ़िया सा ऑमलेट खाना लेके आ गया भाई, आपको दिखा दो जरा राहुल लेग पे। और नीचे ध्यान से पढ़ो भाई, 500 डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ ऑमलेट्स। भाई साहब 500 वैरायटी ऑमलेट की कहीं देखी है आपने? मैंने भाई कहीं नहीं देखी 500 वैरायटी ऑमलेट की। भाई साहब कौन कैसे बना सकता है? देखें क्या क्या वैरायटी है, क्या मेन्यू है भैया का, 500 वैरायटी है भी या नहीं, और अगर 500 वैरायटी है ऑमलेट की तो टेस्ट कैसा है। तो लोकेशन समझ लेते हैं भाई, केशवपुरम का मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़े हैं। ये देखो गेट नंबर 1 है, गेट नंबर 1 से जैसे ही निकलोगे आप राइट हैंड साइड पे आपकी शॉप है। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं, मेट्रो पकड़ो अपनी, केशवपुरम उतरो, ठीक है। गेट नंबर 1 है, उतरते ही राइट हैंड साइड पे आपका राहुल लेग लिखा होगा, आके खा लेना बढ़िया था। तो चलिए वीडियो करते शुरू। तो भाई देखो ऑर्डर लगवा दिया हमने अपना, तो सारे बहुत ज़्यादा बिजी भाई, बहुत ऑर्डर हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, सीटिंग पूरी खचाखच भरी हुई है, इतना काम है तो सर टाइम नहीं दे पाएंगे, उसके लिए सर ने बहुत बहुत सॉरी बोला है। तो भाई हमने ऑर्डर दे दिया अपना, एक इनकी नई आइटम है चिकन जेसी और चिकन LC भी है। ये देख लो ये इनकी न्यू वैरायटी का मेन्यू है, ये चेंज होता रहता है, नई नई वैरायटीज आती रहती हैं। इनमें से हमने चिकन LC चूज़ किया है अपने लिए, और एक आता है चिकन सब्वे। तो आइटम पता नहीं अभी क्या है भाई, आएगी तो पता लगेगी क्या चीज़ होती है क्या नहीं होता। तो भाई अगर 500 वैरायटी ऊपर लिखी हुई है ना, तो 500 वैरायटी सिर्फ कहने के लिए नहीं है। ये देखो मेन्यू आपके सामने, पूरा मेन्यू दिखा रहा हूँ, ध्यान से देख लो भाई, सबके रेट लिखे हुए आगे, इतनी वैरायटी का रेट बताना मुश्किल है थोड़ा सा। तो ये देख लो, राजन आपको अच्छे से दिखा देगा भाई एक एक पॉइंट मेन्यू का। और ये देखो पीछे भाई, पूरी 500 क्या 500 से प्लस ही है भाई, पूरी 500 वैरायटी का मेन्यू है ये, और यहाँ पे हर चीज़ का रेट लिखा हुआ है। दोबारा दिखा देते भाई, अच्छे से ध्यान से देख लो जिस चीज़ का रेट देखना है आपने। और नाम इतना सुना है भाई साहब हमने, इतनी भीड़ लग रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि ऐसी लगी हुई है, कौन बातचीत तो है ना। तो भैया के पास भाई साहब टाइम नहीं है बात करने का, और बताओ। तो किचन वाला शूट भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनको ये है कि थोड़ा सा यार हमारी एक मोनोपोली है, तो हो सकता है हमारे कंपटीशन वाले कॉपी कर ले, हम किचन वगैरह नहीं दिखा पाएंगे, हमारी मेकिंग नहीं दिखा पाएंगे, टेस्टिंग वगैरह दिखाएंगे आपको। तो ऑर्डर दे दिया मैंने आपको, बताया चिकन सब्वे करवाया, और एक अपना है चिकन LC जो इनकी नई वैरायटी है, ये दोनों आइटमें लगवाई हैं। सब कुछ ओके भाई, सब बढ़िया काम हो गया है, मज़ा आ गया। तो अब रहेगी सिर्फ टेस्टिंग, टेस्टिंग दिखाएंगे आपको, मज़ा आ जाएगा खा के, ठीक है बढ़िया, फिर बताएंगे आपको टेस्टिंग से कि यहाँ पे आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो देख लो भाइयों, बढ़िया सा खाना लग गया अपना, टेबल सज गया है, और ये देख लो अंदर भाई साहब भीड़ कितनी लगी हुई है। हमने तो भारी टेबल लगवा लिया भाई, बहुत भीड़ है, इतने बिजी हैं सर यहाँ पे, सारे लड़के बिजी हैं भाई साहब, बिल्कुल टाइम नहीं है। ये तो भैया थैंक यू, भैया ने वीडियो बनाने दी। तो चलो यार टेस्टिंग वगैरह शुरू करते हैं। और ये है इनका देखो चिकन LC, ये इनकी नई आइटम है, और ये 210 रुपये की। और ये है इनका चिकन सब्वे, ये है 230 रुपये की, ये इनकी रेगुलर आइटम है, चलती रहती है और काफ़ी फेमस है। तो ये भैया ने हमें खुद रेकमेंड किया कि नई आइटम है, खा के देखो मज़ा आ जाएगा। ऊपर देखो ध्यान से, क्लोज लेके आओ, देखो क्या चिप्स वगैरह डले हुए हैं, ऊपर से क्रीम डली हुई है और अंदर स्टफिंग वगैरह। भाई साहब जिस राज को, तो वैसे मेरे ख्याल से राज ही रह देना चाहिए भाई, क्योंकि इतना बढ़िया टेस्ट, इतनी बढ़िया चीज़, इतनी डिफरेंट वैराइटीज़। सही बात है भैया की भी यार, कि अगर उनका सीक्रेट खुल जाता है तो उनको दिक्कत होगी, उनके कॉम्पिटिशन कॉपी करने की कोशिश करते हैं। आजकल वैसे चलता ही है, एक बंदा फेमस होता है उसके साथ चार और खोल के बैठ जाते हैं सेम चीज़, तो वो भी सही है भाई, नहीं होना चाहिए। चलो यार टेस्टिंग कर लेते हैं इतनी बढ़िया चीज़ की। भाई साहब ऑमलेट से 500 वैरायटी यार, बातचीत है भाई जगह पे, तो कि 500 वैरायटी ऑमलेट से बनाई हुई है। ये देख लो ये इसकी बाइट ली हमने, ये खा लेते हैं। अरे वाह, आगे जो बता रहे हैं ना, तंदूरी सॉस डाली है काफ़ी,
फिर जिससे तंदूरी फ्लेवर आए, हो सकता है कोयले में थोड़ा फ्लेवर दिया हो तंदूरी ने खाने के लिए। वाह क्या टेस्ट है यार, मतलब गजब टेस्ट होता है ना, गजब यार। ऑमलेट नहीं है नॉर्मल, ये बिल्कुल हटके उससे, तो नॉर्मल ऑमलेट के कोई इतना पे नहीं करेगा, ऑब्वियसली बात है। पर नॉर्मल ऑमलेट नहीं है, चिकन का अच्छा बहुत फ्लेवर आ रहा है, तंदूरी सॉस का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा है, पर ऐसा क्रीम है, चिप्स का हल्का हल्का जो होता है टैंगीनेस होती है उसका एक अपना मज़ा अलग आ रहा है, बहुत अलग कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। वाह तंदूरी तो है, छोटे छोटे तंदूरी पीस आ रहे हैं चिकन के, वो इन्होंने तंदूरी किए हैं जो मुझे लग रहा है। तंदूरी सॉस डाली ऐसे से, क्रीम्स डाली हुई दो तीन तरह की, तो उस चीज़ का इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा ना यार कि मतलब अगर आप ऑमलेट लवर हो तो टेस्ट मुझे इतना अच्छा लगा यार, नई आइटम है, थम्स अप है इसको कि आना ही चाहिए, मस्ट ट्राई है जगह, कोई चांस नहीं है भाई इसको छोड़ने का। ओह आनंद आ गया यार, बहुत टाइम बाद नॉनवेज खाया यार, मज़ा आ गया सही में। ऐसी वैरायटीज़ इतनी, वो भी इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ और ऐसा टेस्ट, मेरे को लगता कोई दे सकता है यार मैक्सिमम वैरायटी में, बहुत ही अच्छा टेस्ट है यार, मतलब मन नहीं कर रहा है रुकूं, खा लगता है खाए जाऊँ। अरे वाह, टाइमिंग्स वगैरह की बात कर लेते हैं, भैया से मैंने सारा समझ लिया इनका हिसाब किताब, दोपहर को 2 ही खुल जाते हैं, रात को 10 बजे तक बैठे हुए हैं, पूरे टाइम में कभी भी आ सकता, ट्यूजडे ऑफ रहता है, ट्यूजडे बताना। और बाकी ये देख लो, ये इनका सबवे है, चिकन सबवे, नीचे मेरे ख्याल से ब्रेड वाला ऑमलेट है, ऊपर इन्होंने चिकन की लेयर लगाई हुई है, धनिया ऊपर से डाला हुआ है, तो इसको चेक कर लेते हैं भाई, पिज़्ज़ा टाइप लग रहा है, ऑमलेट का पिज़्ज़ा बनाया हुआ है। वाह मज़ा आ गया यार, मतलब इतनी सारी वैरायटी मेंटेन कर रहे हैं वो 500 वैरायटी, और ऊपर से टेस्ट भी A1 है। अरे वाह राहत मिल गई, संतुष्टि होगी भाई, अब समझ आया इतने लोग क्यों आ रहे हैं, इतनी भीड़ क्यों लग रही है भाई, भैया टाइम क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि टेस्ट इतना ज़बरदस्त है यार। वाह यार गजब का मज़ा आ गया यार, दोनों ही चीज़ें A1 है, और भी बहुत सारी आइटम है भाई, इतनी सारी आइटम है, ट्राई करना पॉसिबल नहीं है, आप कर सकते हो आके अलग अलग आइटम्स, मेरे को ये दोनों खाई गया मैंने, A1 लगी है, कोई डाउट नहीं है भाई टेस्ट का तो। वाह भाई वाह, जैसे इसमें ना कोई ज़्यादा तंदूरी फ्लेवर है, जो ये वाली आइटम है वो बिल्कुल अलग है, इसमें बटर का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, ऑमलेट बनाया हुआ है इन्होंने बटर लोडेड, और ऊपर से चिकन डाला हुआ है, तो उसमें बटर बजाय जोर दिया हुआ है, इसमें क्या तंदूरी चिकन डाला हुआ है, पता नहीं ऑमलेट वगैरह में कैसी स्टफिंग की है इन्होंने, या तो हो सकता है बना के फोल्ड कर दिया होगा, क्रीम वगैरह डाली हुई है, तो इसमें तंदूरी थोड़ा डोमिनेटिंग है, इसमें बटर थोड़ा डोमिनेटिंग है, बटर का जो अच्छा फ्लेवर आता है ना अमूल बटर का, वो चीज़ है। अरे वाह, मैंने भैया किचन देखी है, सारी क्वालिटी की टेंशन नहीं है, पूरी क्वालिटी A1 यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बढ़िया बटर भी अमूल का आ रहा है, सारे ब्रांड्स वगैरह सब ब्रांडेड यूज़ हो रही हैं, कोई ये मत सोचना है क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो वैसे तो हम भी बहुत टाइम से देख रहे हैं शॉप को, काफ़ी टाइम से खाते आ रहे हैं, भैया ने भी बताया हमें कि इसको 15-16 साल हो गए शॉप को खुले हुए, इतने सालों से इतना अच्छा टेस्ट मेंटेन किया हुआ है, और इतना अच्छा टेस्ट है यार भाई, आप मानो ना मानो यार, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो आपको टेस्ट बता सकता हूँ यार खा के, लेकिन इतनी वैरायटी है ऑमलेट में मैंने कहीं नहीं देखी, और इतनी वैरायटी के बाद जो डिफरेंट वैरायटी है, लोग क्या होता है टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, टेस्ट इतना लाजवाब है यार, मज़ा आ जाएगा, ये नहीं लगेगा भाई ऑमलेट खा रहे हो, ऑमलेट वाली बातचीत नहीं है, अलग चीज़ का टेस्ट है भाई, नेक्स्ट लेवल है, आप इसको नॉर्मल ऑमलेट से कंपेयर नहीं कर सकते। तो ठीक है भाई, डिस्क्रिप्शन में लोकेशन दे दी है, सब कुछ आपको बता दिया है, और कोई क्वेश्चन हो या हमसे कुछ रह गया हो कमेंट्स में पूछ लेना भाई, बता देंगे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो नए टेस्ट के साथ, ओके बाय।